आज कौन सी रस्म है निखत, वो भी ऐसे अचानक? पता नहीं भाईजान, एकदम से अम्मी ने आकर कहा कि तैयार हो जाओ। कह रही थी कि इमरान के घर वाले आ रहे हैं। लेकिन अम्मी, आपने तो बताया नहीं कि आज भी कोई रस्म होनी है, तो सीधा निखत बाजी का मंजा होना था ना। ये लो, अब मैंने बताया नहीं, तुम तैयार नहीं होगी क्या? हद हो गई। अरे वैसे ही मेरी जान को हजार काम है, भूल गई तो क्या हुआ? आजकल के बच्चे भी ना, जबान लड़वा लो इनसे बस। ये लो, अब फौरन तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाता हूँ। वैसे भी फिर से अब उस शैतान की खाला हसीना भी की शक्ल देखनी पड़ेगी। निखत, तुम क्या ढूंढ रही हो उस कबर्ड में? ये शेरवानी भाईजान, अम्मी ने कहा था कि अभी शेरवानी पहनकर तैयार हो जाए। अम्मी, मैं ये पहनूंगी? आज तो निखत बाजी की रस्म है, तो मैं की दुल्हन जैसे कपड़े पहनूं? तुम यही पहनोगी, ठीक है? अरे बेटा, अपनी शक्ल देखिए, आईने में देखो जरा अपनी शक्ल, कैसी पीली पड़ गई है। ये पहनोगी तो चेहरा खिला खिला नजर आएगा। चलो पहन लो, मैं अभी आती हूँ। अम्मी, आज निखत बाजी की ही रस्म हो रही है ना? तुम्हें अपनी अम्मी पर बिल्कुल भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है अम्मी। तैयार हो जा।
ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कोई और है? खुदा करे मम्मी जो कह रही है वो ही सच हो। पुप्पी और नजमा कहाँ है? मुझे लगा मैं अभी भी आपसे बंधी हुई हूँ। I mean, handcuffed too। हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने गए। के? मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ, जिस आपको कोई इंजरीज आई तो। नो नो, I'm fine. In fact, आप अपने हाथ के लिए एक बार डॉक्टर के पास हुआ थे। I'm fine. के? मैं चेंज करके आता हूँ। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आज बेटी की सगाई है और आप कितने सालों से इस दिन के बारे में सोच रहे थे, फिर अब क्या हुआ? इस दिन के बारे में हम सालों से सोच रहे थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये दिन ऐसे आएगा। हमारी अपनी बेटी ऐसी हरकत करेगी जिसे छुपाने के लिए हमें जल्दबाजी में उसका निकाह करना पड़ेगा। बीती बातों को भूल जाइए, अब सब अच्छा होगा।
जी मौलवी साहब आए। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम सिद्दीकी साहब। चिरिन रुको, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये मौलवी साहब यहाँ कैसे? ओहो देखिए ना, हम तो पूछना ही भूल गए कि वो आखिर आए कैसे हैं। हमारे ख्याल से रिक्शा लेकर आए हैं अम्मी। वो कैसे भी आए, यहाँ क्यों आए हैं? ये भी अच्छा सवाल है। वो यहाँ आए हैं, वो यहाँ इसलिए आए हैं, वो यहाँ आए हैं। शिरीन तुम क्या बड़बड़ कर रही हो, हा? बताओ ना क्या हो रहा है यहाँ। वो अम्मी, अम्मी, अरे तुम इतना बौखला क्यों रही हो? क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ शिरीन? अरे बड़ी बी, निखत की सगाई के बाद दावत नहीं हो पाई ना, सो आज कर रहे हैं। फिर ये गाने वाले क्यों? लो अब दावत में रंग तो इन्हीं से जमता है, और जश्न तो ऐसा होना चाहिए कि सब लोग याद करें। अम्मी वो भाभी चाह रहे थे कि आज सगाई। अम्मी आप जाके तैयार तो हो जाइए। तुम हमारी फिक्र मत करो शिरीन, हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये बड़ी भी कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा करेंगी, पहले इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। आपसे बंधी हुई हूँ। मैं बोलूंगी तो आप कहोगी कि बोलती है, लेकिन आप मुझे बेशक गलत समझे बड़ी बी, मैंने आपको हमेशा घर के बुजुर्ग की तरह ही समझा। अब निखत भी तो मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि आज की दावत में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। अब इसीलिए वो मेहमानों के लिए दस्तरखान में जो बर्तन लगेंगे ना, जिसमें हम खाना परोसेंगे, वो भी तो बेहतरीन होने चाहिए। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप वो निकाल दें। ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। बेशक कर सकते हैं बड़ी बी, लेकिन चांदी के कौन से बर्तन बेहतरीन हैं और कौन से इस लायक हैं कि इस खास दावत में इस्तेमाल किया जा सके, ये बेचारे नौकर क्या जाने, ये तो खानदान का कोई बुजुर्ग ही बता सकता है।
देखिए ना, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप निकाल दीजिए ना। ठीक है, मैं संदूक में देखती हूँ। हाय अल्लाह, बड़ी बी, मैं तुम मिठाई वाले को बोलना ही भूल गई। आप जरा ये बर्तन निकाल दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, आप यहीं रहिए बड़ी बी, क्योंकि मेरी बेटी की खुशियों में सबसे बड़ा रोड़ा आप ही हैं। एक काम करती हूँ, पहले ये रख कर आती हूँ। अरे मियाँ, आज खुशी का दिन है, शहनाई और तबला इतनी जोर से बजाओ कि हर आवाज उसमें डूब जाए। अरे, दरवाजा किसने बंद किया? अरे कोई है क्या? खोलो ना, किसने बंद किया ये? राशिद, अयान, शेरिन, बोल दो। है मिस्टर खान, मैं सोच रही थी कि हम पुप्पी और नजमा को क्या बताएंगे कि हमारे साथ मंगलपुर में क्या हुआ। क्या हुआ था? कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। कम ऑन मिस्टर खान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ? इतना सब कुछ तो हुआ, लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए थे, हमें मारना चाहते थे, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? वो हमें अम्मी को कुछ बताना नहीं चाहिए, वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। और वो दूसरी बात? कौन सी दूसरी बात?